एक जगह जहाँ पर एक ऐसा शख्स जो हमारे पेट तक खाना पहुँचाने का काम करता है वो हमारे अन्नदाता है, पर वो उस खाने को जगह जगह पर पहुँचाना, उस जगह पर पहुँचाने का काम करना वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे लिए उतने ही महत्व हैं जितने हमारे के अन्नदाता। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अन्नदाता भी परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी। पर नए बजट आने के बाद क्या शांति, सुख शांति जो है वो ट्रांसपोर्टर्स तक पहुंची है? पहले तो ये बात कर लेते हैं और उसके बाद एलजी गवर्नमेंट इस समय क्या सोच रही है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ये भी जान लेते हैं। टीएस बजिस्ता भी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं नया बजट आया है, इस बजट में कितनी राहत की सांस ट्रांसपोर्टर्स तक पहुँचा पाया है केंद्र सरकार, वो थोड़ा सा देखिए। हम सबसे बड़ी बात तो जो हमको मार पड़ रही है इस वक्त वो डीजल और पेट्रोल की मार पड़ रही है, जिसमें कुछ थोड़ी सी हमें कमी महसूस हुई है। और दूसरा, जो हम बड़ी देर से अपने फेयर के रिवीजन के लिए लड़ रहे थे, तो फेयर का रिवीजन हुआ है, हमारे मुताबिक तो नहीं हुआ है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ हमें राहत मिली है उसके साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही हमारा ये एक डिमांड रही है और गवर्नमेंट ने हमसे बार बार वादा भी किया है कि हम हर साल आपका रिवीजन करेंगे, बढ़ता होगा बढ़ाएंगे, कम होता होगा कम करेंगे, लेकिन वो रिवीजन नहीं होता। हम ढाई ढाई तीन तीन साल इसके लिए लड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, फिर जाके कहीं रिवीजन होता है। लेकिन मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, को जो स्क्रैप की पॉलिसी निकाली है उन्होंने, उस पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि जो ये नई गाड़ी ओल्ड गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी डालेगा उसे 5% मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हम कम रेट मिलेगा और 25% और 15% की छूट मिलेगी टैक्सेस में। और स्टेट यूटी, हमारी J&K यूटी ने, ऑनरेबल LG साहब ने जो अनाउंसमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की है कि जो स्क्रैप करके नई गाड़ी डालेगा उसको 5 लाख रुपया सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो इस काबिल हो सके कि अपनी गाड़ी नई चेंज कर सके। तो मैं इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आने वाले समय में होगा, पर कोरोना काल अभी भी चल रहा है और कोरोना काल पहले भी रहा, इस समय पे क्या कोई पैकेज नहीं अनाउंस कर देना चाहिए था इसी बजट में, ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स को एक मार पड़ी थी उससे कहीं ना कहीं वो उभर पाते? मैंने पहले ही यहाँ अपील की है कि हमें कम से कम एक साल का टैक्स जो है वो हमें वेवाफ किया जाना चाहिए, हमारी नेबर स्टेट पंजाब ने की है। वो ट्रांसपोर्टर्स का हमेशा ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा चक्का है, ऐसा इंडस्ट्री है, अगर ये चलेगी तो देश चलेगा, अगर ट्रांसपोर्ट मर जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा। आप देखिए, अगर कहीं हमारा पड़ोसी मुल्क हम पे वार करता है, हमारे काम को कई परेशानियाँ डालता है, तो उस वक्त यही ट्रांसपोर्टर्स हैं, टैंकर्स हमारे, ट्रकर्स, बसेस, छोटियाँ गाड़ियाँ आर्मी के साथ छाना बिछाना खड़े होते हैं, और मिलिटेंसी के बीच में भी CRPF के साथ, BSF के साथ आज भी हमारे ट्रांसपोर्टर वहाँ अपनी गाड़ियाँ दी हुई हैं, और कई ट्रांसपोर्टर्स हमारे जख्मी होते हैं, जान भी जाती है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा चक्का है, ये गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को भी और स्टेट हमारे यूटी को, J&K की, उनको सोचना चाहिए कि ट्रांसपोर्टर जिंदा रहेगा तो ये वर्कर है, ये काम करेगा और देश के हर चीज़ एक कोने से उठा के, यहाँ तक पैसेंजर है, मरीज है, सामान है, आर्मी का सामान है, आर्मी पर्सनल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जब कश्मीर के हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं उसमें भी हम लोग ड्राइवर क्लीनर्स हमारे 3-3 दिन वहाँ भूखे रहते हैं, एक लाइन में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। और हमारे ट्रकर्स और टैंकर्स जो हैं वो इस हद तक बॉर्डर पे जाते हैं, जहाँ के पार से फायरिंग होती रहती है,
मर्डर गन चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं वो हमेशा देश की हिफाजत के लिए, देश की मदद के लिए खड़े रहते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आपने जिस तरह से बात भी की, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, कई बार आप देखा होगा ट्रक की लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पर उनके पास ना खाने को होता है, ना वॉशरूम में कहीं वॉशरूम नहीं होते हैं, ना उनके पास ढंग का पानी पीने को होता है, उस पर कभी कोई सरकार बात क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हर बार सवाल उठाते तो यही सवाल होता है, मैम हमारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, बट हम यहाँ पर बैठे हैं। वो हमने कई दफ़ा कहा है कि रास्ते में कुछ ऐसे स्टेशन बनाए जाएं जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के लिए आरामगाह बनाई जाए, रहने की जगह बनाई जाए, गाड़ियाँ कहीं पार्किंग की जगह बनाई जाए, वरना ये जाम लगता है और एक एक दिन पूरा लग जाता है वो जाम खुलने में। तो इन सब प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पे इसमें बजट में खास करके पास करके दो तीन जगहों पे ग्राउंड्स बनानी चाहिए जहाँ पे ट्रकर्स पार्किंग हो सके, बस हो सके, क्योंकि किसी वक्त पैसेंजर गाड़ी बीच में फंस जाती है और बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो इतने परेशान होते हैं वो कि ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना कोई ऐसे स्पॉट्स इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पे वो अपना जो इजी हो सके। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये हम बड़ी देर से इसकी डिमांड रखते हैं, ताकि जो ड्राइवर क्लीनर पैसेंजर है, बार्थ का विजिटर है, उसको ये तकलीफ ना देखनी पड़े। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि ऑनरेबल जी साहब इसकी तरफ देखें, क्योंकि इनके दौरान में आप देखिए तीन तीन दिन रोड्स बंद रहती हैं, और रोड्स बंद रहती हैं तो हज़ारों गाड़ियां सड़क पे आ जाती हैं, पैसेंजर्स जो हैं वो बच्चे बिलकरे होते हैं, भूखे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है ताकि इस चीज़ को हल निकाला जा सके। 19% फेयर जो था वो बड़ा था, आपके अनुसार कितना बढ़ना चाहिए था ताकि ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना आती? हमारा ये था कि हमें कम से कम 30% जो रेट है हमारा वो बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन 19 बढ़ाया है, और हमें ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपका रेट फिर हम रिविज़न करेंगे विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स। लेकिन हमें सबसे जो आफत हमें अब नज़र आ रही है, क्योंकि 10 दिन पहले हमारा थोड़ा सा काम चला था, लेकिन स्कूल बंद हो गए, कोर्ट्स बंद हो गई, बाहर से विजिटर आना बंद हो गया, तो काम फिटअप जाएगा। और कोविड जिस तरीके से डॉक्टर्स अलार्मिंग पोजीशन बता रहे हैं कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा बन के आएंगे, तो इन सब में तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टर फिर घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और अल्टीमेट जो है वो बैंक का पैसा भी जाएगा, ट्रांसपोर्टर का अपना पैसा भी जाएगा, और मुश्किलें जो हैं वो देश के लिए और यूटी गवर्नमेंट के लिए बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब सवाल जो था वो ये रखा गया कि आखिरकार भाई हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं, अब हम कहाँ जाएं? तो कहीं ना कहीं चक्का जाम जो है वो ज़रूर हो जाता है जब भी कभी भी, क्योंकि डेमोग्राफिक हमारी इस समय अगर कहा जाए तो स्टेट हमारी यूटी ऐसी है जहाँ पर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, पर उनके लिए कभी भी कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिली जो उनको एक राहत के सांस दे। तो आज कहीं ना कहीं अपनी इस कन्वर्सेशन में ये भी कहा गया है कि बजट में कुछ इस तरह की चीज़ों को बाहर लाना ज़रूरी है जिससे लोग जो फंसते हैं उनके लिए थोड़ी सी एटलीस्ट आराम मिले, आसानी हो। वहीं जो 19% जो है फेयर बढ़ा है, अब वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 30% बढ़े तब जाके ट्रांसपोर्टर्स को चैन की सांस आए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।